नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव डिलाइट विद पल्लवी यानी मेरे साथ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कोलकाता का सबसे फेमस प्लेस विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल यूके की रानी विक्टोरिया को डेडिकेटेड है और ये 1906 से 1921 में बनके तैयार हुआ था। उस जमाने में इसको बनाने में 1.5 करोड़ लगा था। विक्टोरिया के मेन एंट्रेंस से घुसते ही आपको किंग एडवर्ड 7 का आर्क मिलेगा। क्वीन विक्टोरिया के निधन के बाद उनके बेटे एडवर्ड 7 किंग बने। और ये है विक्टोरिया का गार्डन। विक्टोरिया का गार्डन 64 एकर्स पे बना हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पेड़ भी देखने मिलेंगे जो 100 साल से भी पुराना है। विक्टोरिया का गार्डन काफी फेमस है। पिकनिक के लिए बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, वॉक के लिए, यंग लवर्स के लिए और सनसेट सनराइज को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे अंदर इस तरह के लेक्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसके अंदर म्यूजियम भी है जो आप सब देख सकते हैं। इस पे भी मैं जल्द वीडियो बनाऊंगी जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। विक्टोरिया का गार्डन और गैलरी यानी म्यूजियम के लिए अलग अलग टिकट लेना होता है जो आपको मेन गेट में पहले ही लेना पड़ेगा, जो मुझे दोनों मिला के 30-60 इंडियन रुपीज लगा। अगर आप म्यूजियम जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा जल्दी आने का, क्योंकि अंदर सब देखने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। ध्यान रहे, विक्टोरिया मेमोरियल मंडे को पूरा बंद रहता है और गैलरी खुला रहता है ट्यूसडे से फ्राइडे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक और सैटरडे संडे सुबह 10 से रात 8 बजे तक। विक्टोरिया के ऑपोजिट एक ग्राउंड भी है जिसे मैदान कहा जाता है, वो भी काफी फेमस है। अक्सर लोग वहाँ पे पिकनिक, हॉर्स राइडिंग, जॉगिंग, इवनिंग वॉक या बच्चे खेलते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। विक्टोरिया के गेट पे ही बग्गीज खड़े रहते हैं अगर आप वो भी एंजॉय करना चाहते हैं। रात के टाइम विक्टोरिया और भी सुंदर लगता है। यहाँ से आपको द 42 बिल्डिंग भी दिखेगा जो कोलकाता का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसका हाइट 850 फीट है और इसमें 65 फ्लोर्स है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसके नीचे लाइक और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो जल्द मिलते एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।